नजरें अगर एक की खराब हो तो नजरअंदाज सबको कर दिया जाए। नजरें अगर किसी एक की खराब हो तो नजरअंदाज सबको कर दिया जाए। बलात्कार तो कुछ ही करते हैं पर चलो बदनाम सबको कर दिया जाए। बलात्कार तो कुछ ही करते हैं चलो बदनाम सबको कर दिया जाए। वो मर्द है ना, उसे कहाँ फर्क पड़ता है। वो मर्द है, उसे कहाँ फर्क पड़ता है, उसे कैसे दर्द हो सकता है। समाज ने उसे लेबल जो दे के रखा है, #boyscantcry। दुनिया की उम्मीदों का वो एक लौता शिकार है, फिर दुनिया में हो रहे सारे गलत कामों का भी वो एक लौता ही जिम्मेदार है। भले वो जिम्मेदारियों से दबता चला जाए मगर संभल कर कहीं किसी के सामने गलती से भी उसका एक भी आंसू ना गिर जाए, क्योंकि #boyscantcry। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है, क्योंकि बचपन से माँ ने उसे यही तो सिखाया है ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। आंखों के आंसुओं को वो आंखों में गई धूल बताना अच्छे से जानता है, फिर उन्हीं आंसुओं को बंद कमरे में एक तकिया में छुपाना उसे अच्छे से आता है। अपनी गमों को अपनी स्माइल के पीछे वो बेखूबी से छुपा जाए, क्योंकि #boyscantcry। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है, क्योंकि बचपन से पापा ने भी तो उसे यही सिखाया है ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। अब तो उसका नजर उठाकर देखना भी गलत समझा जाता है। अब तो उसका नजर उठाकर देखना भी गलत समझा जाता है। लोफर, आवारा, बेगैरत जैसे नामों से उसे पुकारा जाता है। अपनी सफाई दे तो बंदा बदतमीज कहलाता है। अपनी सफाई दे तो बंदा बदतमीज कहलाता है। इतना कुछ सह कर भी वो सारे गमों को बेखूबी से छुपा जाए, क्योंकि #boyscantcry। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है, क्योंकि बचपन से उसे दादी ने भी तो यही सिखाया था ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। अपने सपने भूलकर वो अपनों के ख्वाब सजोता है। अपने सपने भूलकर वो अपनों के ख्वाब सजोता है। खुद को भूलकर जीना ड्यूटी है उसकी, हम पे कौन सा कर्ज होता है। चाहे हारे चाहे टूटे बिखर ही क्यों ना जाए, चाहे वो हारे टूटे या बिखर ही क्यों ना जाए, मगर मजाल है उसकी किसी शिकायत को तवज्जो दिया जाए, क्योंकि #boyscantcry। वो मर्द है ना यार, उसे दर्द कहाँ होता है, क्योंकि बचपन से समाज ने भी तो उसे यही सीख दी थी ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। All men are same. I support feminism. इसका status तो हर रोज अपडेट होता है, मगर real feminism क्या है ये समझने में सबका भरपूर टाइम वेस्ट होता है। नारी सशक्तिकरण के नारे तो हर रोज लगाते हैं, नारी सशक्तिकरण के नारे तो हर रोज लगाए जाते हैं, पर मेन्स डे जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है इसे किसे फर्क पड़ता है। इमोशंस तो उनके अंदर भी हैं, पर उसे कैसे जाहिर किया जाए। #boyscantcry। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है। पड़ोसी वाली आंटी ने भी तो अपने बच्चे को यही सिखाया था ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। अपने अंदर के इमोशंस दिखाए तो बंदा डेस्परेट कहलाता है। अपने इमोशंस को छुपा जाए तो वही वो ईगोस्टिक बन जाता है। अब बेबसी तो उनके अंदर भी होती है, ये कैसे मान लिया जाए। #boyscantcry। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है। वो मर्द है ना, उसे दर्द कहाँ होता है, क्योंकि सबने यही तो सिखाया है ना, जिसे दर्द हो वो मर्द नहीं होता है। ना वो रो पाता है ना ही अपने गम को जाहिर कर पाता है। ना वो रो पाता है ना ही अपने गम को जाहिर कर पाता है। मेंस डू नॉट क्राई सुन सुन कर वो हर बार अपने आंसू छुपा जाता है। वो चाहे जितना भी कर ले पर कभी खुद गर्ज नहीं होता। वो चाहे जितना भी कर ले कभी खुद गर्ज नहीं होता। क्या सचमुच कभी मर्दों को दर्द नहीं होता। ना वो रो पाता है ना ही अपने गम छुपा पाता है। मेंस डू नॉट क्राई सुन सुन कर हर वो बार अपने आंसू छुपा जाता है। वो जितना भी करे कभी खुद गर्ज नहीं होता। वो जितना भी करे कभी खुद गर्ज नहीं होता। क्या सचमुच कभी मर्दों को दर्द नहीं होता। All men are not same, all men are not dogs. Stop judging them in the name of feminism. Thank you.